द अदर वन जैसे मैंने कहा कि बफरिंग की जो टेक्निक है दैट इज़ सेफ्टी लीड टाइम सेफ्टी स्टॉक हमने देख लिया सेफ्टी लीड टाइम को हम एज ए बफर uh, किस तरह यूज़ करते हैं uh, इसको हमने देखना है uh, इसके अंदर जो ऑर्डर रिलीज़ हैं एक तो ये तरीका हो सकता है कि ऑर्डर रिलीज लेट से सिक्सट वीक में हम कहें कि नहीं हम एक वीक उसको uh, जल्दी कर लेते हैं यानी कि रिकॉर्ड के अंदर शो कर देते हैं तो दैट एक वीक का टाइम हमें मिल जाएगा और दू, दूसरा ये है कि जो रिसीट्स हैं शेड्यूल वो हम एक वीक पहले कर लें या दो वीक पहले कर लें अगर एक वीक का हम लीड टाइम सेफ्टी लीड टाइम रख रहे हैं तो एक वीक पहले करें अगर दो वीक का रख रहे हैं सेफ्टी लीड टाइम तो फिर दो वीक करें एंड सो ऑन तो ये ड्यू डेट जो है उसकी हम थोड़ा सा पहले Uh, कर लेंगे डिपेंडिंग uh, अपॉन के कितने टाइम पीरियड का हम सेफ्टी लीड टाइम बना रहे हैं रख रहे हैं uh, इसके अंदर अगेन इफ यू लुक एट द एम आर पी रिकॉर्ड विदाउट बफरिंग विदाउट सेफ्टी लीड टाइम और सेफ्टी स्टॉक तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है uh, ये रिकॉर्ड आ रहा है इसके अंदर अगेन आपके पास फोर्टी का बिगनिंग इन्वेंट्री थी स्टार्ट ऑफ दिस प्लानिंग होराइजन उसमें से ट्वेंटी फर्स्ट पीरियड में कंज्यूम हुई तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री फर्स्ट वीक की ट्वेंटी बनी फिफ्टी रिसीव कर रहे थे हम शेड्यूल्ड है वो माल चल पड़ा है लट से तो वो हम रिसीव करेंगे सेकेंड वीक में ट्वेंटी का उसमें ऐड हो जाएगा तो सेवेंटी हमारी इन्वेंट्री में आ जाएगी उसमें से फोटी कंज्यूम करेंगे तो थर्टी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बचेगी सिमिलरली थर्ड वीक की ट्वेंटी हम उसमें से कंज्यूम कर लेंगे तो टेन हमारे पास थर्ड वीक की एंडिंग इन्वेंट्री होगी फोर्थ वीक में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो टेन ही हमारे पास रह जाएंगे फिफ्थ वीक के अंदर थर्टी की रिक्वायरमेंट है और टेन हमारे पास हैं तो दैट मीन्स शॉर्ट फॉल है ट्वेंटी की लेकिन क्योंकि लॉट साइज फिफ्टी यूनिट्स का है तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 50 यूनिट्स का करेंगे तो हमने इधर रिसीव 50 करने हैं क्योंकि इसमें सम होगा 10 तो 60 हो जाएगा उसमें से 30 फिफ्थ वीक के हमने कंज्यूम कर लेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री फिफ्थ वीक में 30 की बच जाएगी अब जो ये 50 यूनिट्स हैं क्योंकि टू वीक्स का टाइम है तो हमने ऑर्डर टू वीक्स पहले प्लेस करना है थर्ड वीक में प्लेस करेंगे तो वी विल गेट फिफ्थ वीक में फिफ्टी यूनिट और इस तरह हमारा ये काम विदाउट बफरिंग हो जाएगा नाउ लेट सपोज हम कहते हैं कि जी हमने सेफ्टी लीड टाइम जो है वो वन पीरियड का रखना है वन वीक का रखना है व्हाट डज दैट मीन दैट मीन्स कि जब हमें रिक्वायरमेंट है उससे एक वीक पहले हमने ये प्लेस करना है रिसीव करने की बात करनी है सो so अगेन उसी तरह अगर हम चलें विदाउट बफर वाले तरीके से तो यहां तक तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं ठीक है ये उसी तरह है जैसे कि नो बफर के साथ था, था अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि फिफ्थ वीक में हम कहते हैं कि हमें माल चाहिए क्योंकि हम शॉर्टफॉल हो जाएगा नेगेटिव में चले जाएंगे हम तो लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि वन वीक सेफ्टी लीड टाइम है तो हमने वो माल फिफ्थ वीक में मंगाने के बजाय हमने कहा कि फोर्थ वीक में हमें रिसीव होना चाहिए एक वीक का हमने अपने आप को मार्जिन दिया है सेफ्टी दी है तो इसका मतलब है कि ऑल्डो हमें ये फिफ्टी यूनिट चाहिए थे फिफ्थ वीक में हमने ऑर्डर प्लेस ऐसे किया कि हमें फोर्थ वीक में मिले दैट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ थर्ड वीक के हमने सेकेंड वीक के अंदर हमने कहा कि ये uh, ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए सो दैट फोर्थ वीक में हमें ये मिल जाए रीजन बीइंग जी जो सप्लायर है वो अगर एक वीक लेट भी हो जाता है तो जब हमें एक्चुअली चाहिए है उस वक्त तक हमारे पास ये माल पहुंच चुका हो तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम ना हो ये नहीं है कि ये हमने वन वीक का बना लिया तो कभी भी हम शॉर्टफॉल शौर, नहीं होगा ये दैट इज़ नॉट ट्रू हो सकता है कि सप्लायर दो वीक वो ऊपर ले जाए तो शॉर्टफॉल तो फिर भी हो जाएगी लेकिन इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते हैं कि जो सर्विस लेवल है वो हमें कितना चाहिए और उसको हम कंपेयर करते हैं जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है क्योंकि इधर इन्वेंट्री एक वीक एक्स्ट्रा हम होल्ड कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इनकर हो रही है तो हमें अगर हम टू वीक्स के लिए अगर एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है और उसका फ़ायदा हमें कितना होगा तो उस बेसिस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि इसको कितने वीक का हमें सेफ्टी लीड टाइम रखना चाहिए या सेफ्टी स्टॉक हमें कितना ज़्यादा रखना चाहिए ये इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी अनसर्टिनटी कितनी है और जो हमारे सर्विस कस्टमर सर्विस लेवल है वो हम क्या चाहते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम ये सेफ्टी स्टॉक या सेफ्टी लीड टाइम फिर हम डिटरमिन करते हैं और उस बेसिस के ऊपर उसको हम मेंटेन करते हैं